नंबर पांच है राइट कंडीशन या राइट क्वालिटी। इसको कंडीशन और क्वालिटी दोनों ही कंसीडर किया जाता है। राइट क्वालिटी से मतलब है कि वो क्वालिटी जो आप देना चाहते हैं और कस्टमर लेना चाहता है, आप ना उससे ज़्यादा दें ना उससे कम दें। देखिए ये जितने राइट्स हैं 1, 2, 3, 7 तक, इन सब का तल्लक कस्टमर से है। ये कस्टमर ओरिएंटेड राइट्स हैं, यानी ये वो गुड प्रैक्टिसेस हैं जो कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग, मतलब कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर उसके मुतल्लिक है कि आप उसको इतना बेहतर जानते हो। जैसे अगर एक मैनेजर किसी दूर के पहाड़ी इलाके से आ जाता है, कोई नॉर्दर्न एरिया से आके, तो किसी लाहौर कराची में एडवांस सिटी में आके मैनेजर लग जाता है, सप्लाई चेन मैनेजर, तो उस वक्त उस इलाके की जो सिचुएशन होगी, जो एडवांस सिटी की जो सिचुएशन होगी, वो उसको नहीं समझ रहा होगा कि क्योंकि वो जिस इलाके से आया उसको थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे लोगों को अंडरस्टैंड करने में, इनका बिहेवियर क्या है, इनकी इनकम पावर कितनी है, ये किस चीज़ तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। तो वहाँ पे फिर वो जो दूर दराज के इलाके से बेचारा एक छोटे गांव से आया होगा, वो सारे ये 7 राइट्स लेके बैठ जाएगा कि पहले मैं इन 7 राइट के हिसाब से देखूँ कि जो जिस जगह मैं आ चुका हूँ अब यहाँ के लोगों का क्या ट्रेंड है, क्या एनालिसिस में वो उनका एनालिसिस करेगा इन 7 जो राइट्स हैं इनको सामने रखते हुए। तो वो लोग जो समझ रहे हैं, जैसे मैं ऑलरेडी एक एडवांस सिटी में रह रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि यार ये क्या बच्चों वाली चीज़ें हैं कि राइट कस्टमर राइट टाइम राइट ये तो, क्योंकि मेरी अवेयरनेस जो है ना वो ज़्यादा है। मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, तो मेरी उम्र गुजर गई, तो मुझे ये अजीब सा लगता है कि अच्छा जी ये कस्टमर और एंटर। लेकिन अगर आप ये जहन में रखेंगे कि एक बैकवर्ड एरिया से या एक छोटे इलाके से जहाँ पे कम पॉपुलेशन है और उसका वो जो अवेयरनेस है लोगों के बिहेवियर के मतलब वो कम है, और उसको न्यूयॉर्क में बैठा दिया जाए, उसको पेरिस में बैठा दिया जाए, उसको कराची लाहौर में बैठा दिया जाए, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और वो जो टाइम लगेगा वो इसीलिए लगेगा कि वो इन 7 बिहेवियर्स को इम्प्लीमेंट करके अपने जेब में रख के सोचेगा कि यहाँ के लोग इनके ऊपर किस तरह से पूरे फिट होते हैं। तो राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी से मतलब है कि वो क्वालिटी जो कस्टमर को चाहिए वो आप देंगे, ना आप उसे कम देंगे ना ज़्यादा देंगे। ज़्यादा देंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम देंगे तो कस्टमर पसंद नहीं करेगा। और राइट कंडीशन जो क्वालिटी के रिलेटेड है, तो कंडीशन से मुराद या क्वालिटी को भी इसी में ट्रीट करते हुए कि जब आप किसी स्टोर में वेयर हाउस में अपनी चीज़ों की स्टैकिंग करते हैं, तो वहाँ पे वो प्रॉपरली उनकी कंडीशन जो है वो रहे जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे थी। ये नहीं कि आप मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो गुड्स बनी उसकी ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसकी जो वेयर हाउस मैनेजमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई स्टैकिंग में प्रॉब्लम आ जाए, उसकी क्वालिटी कोई डिटीरियरेट हो जाए, उसमें कोई कमी आ जाए, तो ये जो वेयर हाउस रिलेटेड और लॉजिस्टिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या कोई और भी प्रॉब्लम आती है सप्लाई चेन के पूरे उस सर्कल में, मेन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से लेके एंड तक कस्टमर का जो शेल्फ जहाँ से उसने उठानी है चीज़, उसमें कुछ भी जो प्रॉब्लम आती है जिससे वो गुड्स जो है उन डी शेप हो जाए, तो कस्टमर उसको नहीं लेगा। तो ये भी सप्लाई चेन मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो उन चीज़ों को एज इट इज़ जिस तरह से कि वो मैन्युफैक्चर हुई है, जो क्वालिटी कंट्रोल ने उसको पास किया है, ओके किया है, तो सेम गुड क्वालिटी चीज़ कस्टमर के हाथ में होनी चाहिए। तो इसको कहेंगे राइट क्वालिटी राइट कंडीशन।